प्यारे दर्शकों, अल्फाज एक्टिंग अकैडमी वालों ते पंजाब नाटशाला वालों तुहाडा सारयां दा इत्थे आउण ते बहुत बहुत स्वागत। बहुत अच्छा लगता है। सब तो वधिया गल इह है कि तुसीं ठीक ठीक जॉट टाइम ते साडे कोल आए हो। जिवें साडे मुख मेहमान डिप्टी कमिश्नर अमृतसर जिहड़े इत्थे आए ओह ही जिहड़े है टाइम तो बिल्कुल आम तौर पर मुख मेहमान उड़ीकना पैदा पर इन्होंने कभी मौका नहीं दिता है। बड़ा अच्छा लग रहा है। इन्होंने सारे ने खुश जिमें कि तुम जानते हो कि आज इतने जरा साढ़े को नाटक पेश हो जा रहा है। ये अल्फाज एक्टिंग अकैडमी वालों तैयार किया हुआ नाटक है। ये अल्फाज एक्टिंग अकैडमी जी है ये साढ़े जो कलाकार है जो कि उन्होंने 15 साल तो पहले साढ़े जुड़े सुदेश विंकल जी उन्होंने फाउंडर ने इस अकैडमी ने कल इस मंच से पहला शो किया। इसकी खासियत यह है कि देख लो कल भी हाउसफुल सी अज भी हाउसफुल है। कुछ लोग आना लेट हो गए वो आने हाउसफुल है। इन्हों की राइटर भी आप ने डायरेक्टर भी आप ने पेशकारी भी जी पूरा ये थोड़ा इस तरह लगेगा कि पूरा इतने ही जोड़ा है एक घर की जी कहानी नाटक नहीं है। इतनी घर तुम सामने बैठेगा किस तरह अमृतसर की एक मिडिल क्लास फैमिली का कुछ ही उन्होंने जिंदगी होती है। सो ये विकल जी साढ़े न पिछले 15 साल तो जुड़े हैं। इन्होंने काफ़ी सारे नाटकों के एक्टिंग भी की है डायरेक्शन भी की है। सो अज उन्होंने डायरेक्शन का तुम कमाल कमाल देखोगे। अज वाला नाटक जोड़ा है ये 1 घंटा 45 मिनट का नाटक है। नाटक कुछ लंबा होने करके असं 10 मिनट की ब्रेक देंगे। ब्रेक के टाइम से इस साइड के बाद चाह का प्रबंध होगा। तुम चाह का कप कप पी के फिर आके नाटक का बाकी हिस्सा देख सकते चाहे तो चाहो तो तुम कपा च चाह पा के इतने वापस आके ना चाह पियो ना नाटक देखो। पर एक गल है नाल फर्नेस जी थर्मस वो नहीं नाल लैके आने। मैं बेनती करांगा इस नाटक के डायरैक्टर श्री सुदेश विंकल जी कि वो फुलां दे नाल साडे अज दे जिहड़े मुख मेहमान डिप्टी कमिश्नर साहब सरदार हरप्रीत सिंह जी साढ़े को अज एक बड़े सीनियर आर्टिस्ट आर्टिस्ट आए हैं जसवंत मिंटू जी। मैं उन्होंने बेनती करता वो भी फुलों के नाल साढ़े अज के जोड़े खास मेहमान ने फरिश्ता फरिश्ता साहब इन्हों का स्वागत कर। सो अज जो नाटक पेश हो जा रहा है यहाँ ना है साझा टब्बर जॉइंट फैमिली। सो तुम ये साझे टब्बर की तुम जिंदगी देखोगे। 1 घंटा 45 मिनट का नाटक है। 10 मिनट की ब्रेक होएगी। ब्रेक के टाइम के बाद चाह का प्रबंध होएगा। चाह पी के फिर तुम बाकी हिस्सा देख सकते हैं नाटक का। नाटक शुरू करने तो पहला कुछ एक बेनती है। मोबाइल सब तो पहला तो मोबाइल जोड़े है दुश्मन ने नाटक के क्योंकि ये डिस्टर्ब करते हैं जेडे जिन्हों को मोबाइल से उन्होंने मैं पूरे जोर बेनती करता कि स्विच ऑफ कर लो। जेकर तुम लगता कोई जरूरी कॉल आनी है तो वाइब्रेशन से लगा लो। जो कॉल आती है तो तुम बाहर अटेंड करके फिर आके वापस तुम जो है नाटक देखो। हॉल के बैठ के मोबाइल की बैल नहीं बजनी चाहिए तो ना ही तुम गल करनी चाहिए। ये दूसरे दर्शक जोड़े है डिस्टर्ब होंगे। दूसरी बेनती मेरी छोटे बच्चों बारे है। छोटे बच्चे जड़े क्योंकि सानू पता है कि लगातार असी हर अपनी जी एडवर्टीजमेंट है कोई भी जगह जिसे असं अनाउंस करते हैं छोटे बच्चों बारे जरूर नाल लिखते हैं कि 5 साल तो छोटे बच्चे नाल ना लिया जा। भी सानू लगता कि जिम्मे कोई खास मजबूरी है बच्चे सानू भी बुरे नहीं लगते पर बच्चे जड़े है वो लगातार नाटक नहीं देख सकते वो फिर डिस्टर्ब करते हैं। प्लीज़ इन्हों का देख लो। खास जिम्मेवारी है बच्चे का ध्यान रखना। जो तुम लगे कि डिस्टर्ब करता अभी सैपरेट चेयरस का इंतजाम कर देंगे ताकि जो बच्चे डिस्टर्ब कर लगे बाहर चुप करा के फिर वापस आओ। बाकी भी जे जो बच्चे इतने बैठे ने छ
छोटे बच्चे ने उन्होंने पेरेंट्स की जिम्मेवारी है कि बच्चियां करके दूसरे दर्शक जो डिस्टर्ब ना हो। ड्यूरिंग द प्ले जो प्ले के दौरान तक वाशरूम वगैरह वरतने पै जाए तो इस साइड के बाथरूम है इस्तेमाल कर सकते दो दरवाजे बैक साइड का डोर इस्तेमाल करोगे तो अच्छा रहेगा जो दूसरे दर्शक डिस्टर्ब नहीं होंगे। वैसे कोरोना अजे खत्म नहीं होया इसलिए प्रिकॉशनस लेने जो प्रिकॉशनस लेना ले सकते हो तो मैं तो यही सलाह देवगा कि कोई भी तुम अपना मूँह जोड़ा है अपना कवर कर लवो तो अच्छा रहेगा जो नहीं इंतजाम से तब भी कोई गल नहीं हूँ असी बगैर किसी देरी तो श्री सुदेश विंकल जी द्वारा लिखा तो उन्होंने द्वारा डायरेक्ट किया हो नाटक देखो सांझा टब्बर। बेबे बेबे वो हुंदी है जिन्हें घर के हर जी ते अपना रौब जमाया हुंदा है। देखिया मैं क्या सी ना कि घर दे हर जी ते अपना रौब जमाया हुंदा है पर साडी बेबे थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। रौब दे नाल नाल सारे रिश्ते गंढ के रखे ने साडी बेबे ने या इंज कह लो कि रिश्तियां दी कदर किवें करी दी है बेबे नु सारा पता है। गुड मॉर्निंग बेबे पहली पहना ए है जी गिप्पी बेबे दा छोटा मुंडा की क्या है नहीं जी नहीं एदा नाम ही गिप्पी है पर ए भाई साहब सिंगर नहीं है बल्कि साइंस दे स्टूडेंट ने कॉलेज पढ़ते ने ते बेबे दा सत्कार भी पूरा करते ने ते बेबे भी बहुत प्यार करती है गिप्पी नु। जिंदारा पुत्ते चलिया कॉलेज हां बेबे चंगा ते एक मिनट ठहर ते जा पुत्ते आ लेके जा है कॉलेज दे नाल नाल अपनी बेबे ते परजाई नाल घर दे कम्मा च भी हाथ वंडाउंदी है निम्मी। पर सवेर दी चाह अपने हसबेंड दे हत्थों ही पीनी हुंदी है साडी बेबे ने। बापू जी नहीं 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 तुसी गलत समझ रहे हो
ये डरते नहीं है बेबे तो, बस प्यार करते ने एक दूजे नू। जदों कदी बेबे नू गुस्सा चढ़िया हो तां बेबे दोस्त सुना देंदी है, ते जे किते बापू नू गुस्सा चढ़िया हो तां बापू दोस्त सुन लैंदा है। इन्ना प्यार है दोनां च। बेबे साहब नू अपना सब तो छोटा मुंडा समझती है। लो बीजी चा। ओ बीजी मेरे अंदर तुसी काम कर रहे हो, ओ तुसी राम नाल बैठ के ना सीरियस देखो अनुपमा वाला। अनुपमा अच्छा चंगा तू कर ला फिर काम, सवेरे तक करता के मेरा ते लग दूरा हो गया है। देख तू कर ला। अब बीजी करो काम, मैं हूं चाह पी गया फिर वेखो कि करता काम, तुम करो जिन्ना होता। हाँ बाकी मैं आके कर देता, आ गया बस। नेशनल कंपनी च इकट्ठे काम करदे सी, ते इकट्ठे काम करदे करदे सदा लई इकट्ठे ही हो गए, ते हुण इस घर च इकट्ठे ही रहिंदे ने सारे, ते इस तरह बन गया बेबे दा सांझा टब्बर यानी जॉइंट फैमिली। ¡Gracias!
ਕਈ ਸਾਲ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਚ ਚਾਰ ਨਿਆਣੇ ਤੇਰੇ ਵਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਆਣੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਸੋ ਸੁਖਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫੇਰਾ ਪਾਈ
मैं इस घर में अपने दो दिया का मुंह देखना चाहती हूँ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। झटका मारूंगी कि तुसी मेरे बीजी नु फरमान कर छते है। तुसी आते क्यों नहीं? एना में की बिजी होया बंदा कि अपने पेकिया नु भूल जाए। तुसी मेरा होना ना होना ही चाहिए। आलो जी, हुण कोल आई ना, मैं
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਜਾਈ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੀਦੀ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਉਹ ਨਾਲੇ ਸਵੀਟ ਦੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਆ ਚੰਗਾ ਨਕਲੀ ਚੰਗਾ ਵੀ ਜੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਪੂਰੇ 3 ਸਾਲ ਪਏ ਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੀਦੀ ਤੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰੇ 3 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ मेरा पुत इथे ते आई ते लगे ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
Thank you.